हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू वर्क कलेक्शन। मैं आप लोगों के लिए आज मुमताज़ आर्ट का एक और बहुत प्रिटी कलेक्शन लेकर आ गई हूँ। हमारे पास ये जो कलेक्शन है, हमारे पास ये कैटलॉग है मुमताज़ आर्ट निशा, और इसका जो फैब्रिक डिटेल्स है मैं आपको छोटा सा मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको थोड़ा सा। तो हमारे पास में जो ये जाम कॉटन फैब्रिक है, जाम साटन वैसे लिखा हुआ है, लेकिन जाम साटन वैसे वाला नहीं होता कि आपको सिंथेटिक लगने लगे, बट इसमें हमारे पास जो ये है जाम कॉटन टाइप का है, जिसमें कि शाइनिंग रहती है थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक पे ही, और कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने हैं। कलर्स बहुत प्रिटी आए हैं इसमें, हमारे पास कुछ डार्क शेड्स आए हैं, कुछ हमारे पास ब्राइट से शेड्स हैं, काफ़ी डिफरेंट से कलर ऑप्शंस हैं। ब्लू भी है, पिंक भी है हमारे पास है। पिंक में हमारे पास दो टाइप के शेड्स हैं, अलग अलग हैं थोड़े से। एक हमारे पास बहुत ही लाइट सा ऑरेंज कलर है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्राउन है एंड ग्रे है। तो ये सारे डिज़ाइंस मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। मुमताज़ आर्ट में कोई पैच वगैरह नहीं आता है, ये सेल्फ एम्ब्रॉयड आते हैं। चाहे एम्ब्रॉयड्री ज़्यादा हो या कम हो, बट सेल्फ एम्ब्रॉयड्री ही इसमें आपको देखने के लिए हमेशा मिलेगी। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे वीडियो का ग्रे कलर, ठीक है। तो ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, जिसमें कि ये फैब्रिक डिटेल्स आपको ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। ये आपका इस टाइप का लुक आएगा आपका स्टिचिंग के बाद। और इसमें हमारे पास देखिए, मैं आपको बताऊँ इसका कॉन्सेप्ट, इसमें ये पूरा प्रिंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दामन पर इसमें आपको थोड़ा सा वैसा वर्क दिया हुआ है, चिकनकारी टाइप का काम दिया हुआ है इसमें। नेक लाइन पर थोड़ा सा आपको इसमें वर्क है। ये टैग्स के साथ आपको मिलेंगे डिज़ाइंस, क्योंकि ब्रांड्स जो हमारी जो फेमस हो चुकी हैं रेप्लिका में, जैसे कि श्री हो गया, डीप सी हो गया, मुमताज़ आर्ट कॉटन में बहुत फेमस है, और फैब्रिक हो गया, इन सब की कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी टाइम से बन रही हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये मैंने आपको एक साल पहले भी ये बात बताई थी। तो इसमें आप देखोगे कि आपको वही डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा पिक्चर में, बट जब आप हाथ में लेंगे वो चीज़ क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो इन्हीं ब्रांड्स की रेप्लिका होती हैं। बट ये वाले पास, ये हमारे पास आप कभी भी चेक कर लीजिएगा कोई भी वीडियो उठाकर, आपको हमेशा टॉप मोस्ट ब्रांड्स ही देखने के लिए मिलेंगी। श्री फैब्स हो गया, डीप सी हो गया, पार्टी वेयर में हमारे पास डीप सी के आते हैं, श्री के आते हैं, फैब्रिक के आते हैं, मुमताज़ आर्ट रहेगा तो उसमें टैग वगैरह रहेंगे, तो हमारे पास आपको हमेशा ओरिजिनल ही देखने के लिए मिलेगा। इसलिए काफ़ी लोगों को लगता है हमारे प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं, बट हम लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसी टाइप की क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रे कलर में डिज़ाइन है, इसमें पट्टी टाइप का आपको जो है वो डिज़ाइनिंग मिल जाएगी नेक लाइन के लिए, बाकी का सब कुछ इसमें प्रिंट है, ठीक है। और बहुत ही हल्की हल्की सी शाइनिंग भी आपको फैब्रिक में मिलेगी। ये इसका दामन है, दामन पर आप देख रहे हो बहुत ही बारीक सा आपको शिफली टाइप का लुक मिल जाएगा इसमें, ठीक है, शिफली वर्क जैसा। एंड ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, दामन पर आपकी एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी आपकी। इसमें बैक साइड के पे आपका जो है सेम प्रिंट है, एंड स्लीव्स के लिए जो आपको फैब्रिक दिया है वो बैक साइड के साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका ग्रे कलर में ट्राउज़र का फैब्रिक है। देखिए ट्राउज़र पे आपको जो है वो जाम साटन नहीं है, तो ट्राउज़र में शाइनिंग नहीं रहेगी। ट्राउज़र आपको कॉटन फैब्रिक का दिया है एंड सिंगल कलर में दिया है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, बट वो चीज़ अलग है। ये कॉटन है, ये जाम साटन टाइप का है, जाम साटन नहीं है, जाम कॉटन कह लें जिसमें कि शाइनिंग होती है, तो वो यही है बस, ठीक है। लेकिन कलर सेम है दोनों का, तो ये आप देख सकते हो इसमें। ये पता है मुमताज़ आर्ट के इतने डिसेंट, इतने सोबर पीसेज रहते हैं कि वर्क प्लेस के हिसाब से भी आप इसको अगर पहनेंगे ना तो आपका अच्छा ही लुक आएगा, एक बहुत एलिगेंट सा लुक आता है इनमें, सोबर एकदम। ये इसका दुपट्टा है आपके सामने है, मैं ये फ़िलहाल तो आपको डबल करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इस टाइप का आपको दुपट्टा मिलेगा, ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये हमारे पास कॉटन में है, इनमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं रहता दुपट्टे में कि आप शिफॉन में ले लें या किसी और चीज़ में, इसमें कॉटन के दुपट्टे आते हैं, कॉटन का ही आपको इसमें मिलेगा। तो ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पीस है, इसी टाइप से डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी सारे डिज़ाइंस में, सारे शेड्स में। अब बस मैं कलर आपको दिखाना रह गया, तो मैं सारे शेड्स आपको वन बाय वन चेक करवा देती हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं सेकेंड डिज़ाइन ओपन कर रही हूँ, ये हमारे पास ब्राउन कलर है, ठीक है। कलर में आपको कोई भी डाउट हो तो मैं खुद अपने मुँह से बता रही हूँ आप लोगों को कि ब्राउन कलर है, ठीक है। तो कलर आपको जो बताया जा रहा है वही मिलेगा, एंड यही सेम पीस आपको हमारे पास मिलेगा, मतलब जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वही सेम पीस जो है डिस्पैच होगा, डिलीवर होगा, और मल्टीपल्स भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर आप मल्टीपल में लेना चाहें दो तीन चार पीस तो आप ले सकते हो। ये इसका मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ शर्ट का फैब्रिक। इसमें शर्ट का जो है मेनली आपको क्या देखना है, आपको नेक लाइन की जो पट्टी है वो देख लीजिए, कलर वगैरह देख लीजिए, आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से डिसेंट है, सोवर है, अच्छा है, एंड ये पूरा इसमें प्रिंट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये इसका दामन पर पूरी एम्ब्रॉयडरी आपकी आ जाएगी, बहुत ही खूबसूरत ये पीस है। ये कुछ नहीं है, बस ये टेप लगा हुआ होता है, ठीक है, ब्रांडिंग का होता है, मुमताज़ आर्ट लिखा होता है, बस वही लगा हुआ था। एंड ये आपको टैग वगैरह मिल जाएगा लगा हुआ,
और ये बैक साइड पर सेम टू सेम आपको प्रिंट मिल जाएगा। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है प्लेन ब्राउन कलर में, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है, तो मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। ये देख लें दुपट्टा इसका, ठीक है। देखिए दुपट्टे का ना मैं आपको बताऊं, मुझे भी एकदम से देखने में लगा था कि कलर डल आ रहा है, कलर डल की बात नहीं है, वो डिज़ाइनिंग है इसकी। बीच में आपको बहुत डल सा प्रिंट दिया हुआ है, साइड्स में बॉर्डर के तौर पे आपको जो है वो थोड़ा सा डार्क प्रिंट दिया हुआ है। तो ये डिज़ाइन है, कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाले दुपट्टे में भी यही था, इसमें भी यही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिज़ाइन ब्राउन कलर में। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर जो हमारा है वो है ग्रीन कलर। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ग्रीन टाइप का शेड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो इसका भी खोल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा इसका फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दामन पर, देखिए एम्ब्रॉयडरी तो एक ही तरह की है, बट जो डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी का वो डिफरेंट हो रहा है, सब में चेंज हो रहा है। तो ये प्रिंट है पूरा, इसमें ग्रीन कलर का प्रिंट आ जाएगा शर्ट पर, और ये नेक लाइन पर आपकी पट्टी टाइप का आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रिंट है इसमें, और ये दामन पर एम्ब्रॉयडरी है, बैक साइड पर आपको सेम टू सेम प्रिंट मिलेगा। ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है ग्रीन कलर में, तो ये आप देख लीजिए आप लोगों के सामने है, प्लेन ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन जैसे बोलते हैं ना वही वाला शेड है, बहुत ही प्यारा सा। और ये इसकी इसका दुपट्टा है, ठीक है। एक्चुअली मैंने काफ़ी वीडियोस एक साथ शूट कर लिए, मेरा मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो ये देख लीजिए ये हमारा इसका दुपट्टा है, पूरा प्रिंट आप चेक कर लें। प्रिंट जो मैंने आपको बताया था बीच में लाइट एंड साइड्स में डार्क, वो आपको वही देखने के लिए मिलेगा इसमें भी, क्योंकि वही चीज़ जब आई है सारे डिज़ाइन में, कैटलॉग में ही वही डिज़ाइनिंग है, तो फिर सब में आपको वही मिलेगा। ये इसकी कैटलॉग पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा इसका नेक्स्ट जो कलर है वो है ब्लू शेड। मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे बोल के आपको बताई दूँगी। तो ये ब्लू कलर में हमारे पास ये डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर है ये, मतलब ऐसा नहीं है ये डल नहीं है ना डार्क है, और ये मुझे काफ़ी प्यारा सा लग रहा है कलर। ये देख लीजिए ये इसका शर्ट का पार्ट है। अच्छा देखिए शर्ट ना इसमें ब्राइट आपको इसलिए लगेगी, कोई भी आप कलर लो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सेल्फ में शाइनिंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो वही आपको चीज़ इसमें मिलेगी, ये नेक लाइन पे पट्टी टाइप की एम्ब्रॉयडरी आपको दी हुई है, ऑलरेडी लगी हुई है, दामन पर ही आपको वर्क मिल जाएगा। डिज़ाइन कलर वगैरह बहुत सोबर है, बहुत प्यारा है। ये बैक साइड पर सेम प्रिंट है, ये इसके ट्राउज़र का कलर है, आप चेक कर लें, सेम टू सेम कलर आपको मिलेगा ट्राउज़र के लिए ब्लू कलर। और ये आपके सामने है इसमें, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बार बताना भूल गई हूँ, इसमें आप कितना भी साइज़ बना लीजिए वो आपको बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि मुमताज़ आर्ट में फैब्रिक हमेशा ज़्यादा आता है। और ये मैं आपको हर अपनी मुमताज़ आर्ट की वीडियो में बताती हूँ, तो ये मैंने ये आप इसको देख लीजिएगा। इसमें अगर आप प्लस साइज़ बनाना चाहें, जैसे कि 4XL हो गया, 5XL हो गया, आप इसमें बहुत ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका दुपट्टा है सेम कलर में एंड प्रिंट में, ये देख लीजिए, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा इसका नेक्स्ट कलर। चलें तो नेक्स्ट कलर जो हमारे पास है वो है पिंक कलर। अब देखिए ये ना हमारे पास दो शेड्स हैं पिंक के, दोनों हैं पिंक बट थोड़ा सा डिफरेंट है कलर्स आपस में। ये आपको पिंक टाइप का, जैसे कि होता है ना बेबी पिंक टाइप का, थोड़ा सा डार्क उस टाइप का आपको शेड मिलेगा। ये हल्का सा पीच टाइप के टोन पर है, दोनों पिंक हैं बट दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पहला पीच टाइप का जो आ रहा है ना, हल्का सा उसमें टच आ रहा है वैसा वाला, तो मैं आपको वो पहले दिखा रही हूँ। या फिर आप इसको डार्क पिंक भी कह सकते हो, मतलब जो ट्राउज़र को देख के तो यही लग रहा है कि डार्क पिंक शेड बोलना ज़्यादा बेहतर है। ये आपके सामने है, कलर बहुत खूबसूरत है। ये इसके नेक लाइन पे ये पट्टी आ जाएगी, इसमें पूरा ये प्रिंट आ जाएगा आपका, इसमें बीच में ये दामन पर आपका प्रिंट आ जाएगा, सॉरी दामन पर वर्क आ जाएगा, ये पूरा इसमें वर्क है, बहुत ही फाइन रेशम का काम है। इनमें कोई भी जरी का काम नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ रेशम का ही काम दिया हुआ है। ये इसकी बैक साइड पर पूरा प्रिंट है, और ये डार्क पिंक कलर में इसका ट्राउज़र का मटेरियल है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये शेड मुझे बहुत प्यारा लगा पर्सनली। अगर ये रह गया तो मैं अपने लिए ज़रूर रखूँगी, बट रहेगा नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि जो अच्छे शेड्स होते हैं बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। और अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ इस वीडियो में, वो ये है कि थोड़ा सा 19-20 कलर में चेंज आ सकता है, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से आप लोग कलर को लेकर परेशान मत होइएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में कलर एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियो दिखाते वक्त में, और जो
वीडियो में आ रहा होगा वो हल्का सा बस 19-20 का फ़र्क आ सकता है। अभी मुझे ये नहीं पता कि फ़र्क आ रहा है नहीं आ रहा है या फिर एग्जैक्ट दिख रहा है, क्योंकि मैं इधर की तरफ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, वो देखकर ही पता चल पाएगा। बट मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, इफ़ इन केस आया तो वो हल्का सा ही आएगा, ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट जो शेड है वो दिखा देती हूँ। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा पिंक, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पिंक है हमारे पास, तो ये वाला जो है उससे थोड़ा सा लाइट शेड है, ये भी आपको दिखाते हैं। ज़्यादा वैसे दिखाने के लिए नहीं रह गए हैं, दो ही डिज़ाइन इस वाले पिंक के बाद दिखाने के लिए रह गए हैं, तो चलिए मैं ये आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ उसका। जो देखिए ये वाला जो कलर है इसका आपको प्रिंट डिफरेंट मिलेगा उस वाले से, इसमें नेक लाइन पर पट्टी आ जाएगी, ठीक है, और एक सेकेंड वो टेप हट जाएगा, और ये दामन पर एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी इसमें पूरा, बैक साइड पर सेम प्रिंट है। और आप ही देख रहे हो कि ये प्रिंट में ये डार्क कलर आ रहा है, ये डार्क ना आपको हल्का सा पर्पलिश टाइप का शेड है, जो कि पर्पल टाइप में ही आपको इसका ट्राउज़र का कलर दिया हुआ है, फैब्रिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका, और ये इसका है दुपट्टा, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका दुपट्टा। कलर वगैरह आप देख लीजिए, प्रिंट वगैरह आप देख लीजिए, ये उसका दुपट्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा इसका जो नेक्स्ट कलर है वो है येलो, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, और बहुत ही खूबसूरत सा शेड है येलो, ये देख लीजिए। ये आप लोगों के सामने है इसका येलो कलर, ये इसके ट्राउज़र जो है ये आपके सामने ट्राउज़र रखा हुआ है, थोड़ा सा डीप येलो टाइप का शेड है। और ये है इसका प्रिंट आप देख लीजिए, नेक लाइन पे ये पट्टी आ जाएगी, ये आपको टैग मिल जाएगा, और ये बाकी का इसमें सब कुछ प्रिंट है, और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी दामन पर, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये इसका दुपट्टा है, तो आप दुपट्टा देख लीजिए, इसका प्रिंट चेक कर लीजिए दुपट्टे का, ये इसका दुपट्टा हो जाएगा, ठीक है, पूरा प्रिंट आप चेक कर लें। प्रिंट में मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट क्या है दुपट्टे के प्रिंट का, तो वही आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड लास्ट कलर येलो में। मैंने इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये सेकेंड लास्ट पीस है। और अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ हमारे इस वीडियो का लास्ट डिज़ाइन, लास्ट पीस जो हमारे पास है ये बहुत डल टाइप का ना ऑरेंज एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, ठीक है, ओपन करके पता चल पाएगा एग्जैक्ट शेड क्या है। आप इसे समझ सकते हो बहुत डल सा ऑरेंज एंड पीच टाइप का कॉम्बिनेशन में ये आपको डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका शर्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके नेक लाइन पे आपको जो है वही बॉर्डर पट्टी जो भी आप मान लें डिज़ाइनिंग है नेक लाइन पे, बाकी का ये सब कुछ प्रिंट है, दामन पर वर्क मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडरी है दामन पर, बैक साइड पे सेम टू सेम प्रिंट है, और ये आपका हल्का सा लाइक पीचिश ब्राउन टाइप का शेड है ट्राउज़र का, तो ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं है, बट हाँ डार्क शेड सा थोड़ा सा ये उसमें आ रहा है, मतलब डार्क ही टोन है इसका शेड का। और ये है इसका दुपट्टा सेम टू सेम कलर में, ये देख लीजिए। तो ये प्रिंट आपको इसका दुपट्टे पे दिया हुआ है, ठीक है, कॉटन फैब्रिक का दुपट्टा है, और ये इसकी कैटलॉग पिक्चर। तो ये सारे डिज़ाइंस मैंने दिखा दिए मुमताज़ आर्ट में। देखिए यही होता है कि आपको एक टाइप के डिज़ाइंस में ही ये डिफरेंट शेड्स दिए होते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे के सारे शेड्स दिखा दिए, इसके टोटल हमारे पास आई थिंक 8 to 10 शेड्स थे दिखाने के लिए। तो प्राइसेस के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो का टाइटल पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने आपको क्लियरली प्राइस मेंशन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।